मेरे वालिदैन मतलब उनकी वफात हो चुकी है, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। तो शेख मेरा सवाल ये था, जैसे मैं अभी अभी जैसे हमारे भाई वगैरह है, तो जैसे जो बच्चे रहते हैं उनके सदके जारिया रहते हैं अपने वालिदैन के लिए, तो जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे हम लोग सदका दे रहे हैं या ना या कोई की बात कर रहे हैं, तो हर चीज का जो नेकी रहती है वो वालिदैन को पहुँचती है शेख। जो भी हम कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, सदका वगैरह कर रहे हैं या कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं। इसमें जी इसमें तफसील है भाई। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इदा मात अल इंसानु इनकता अनहु अमलुहु इल्ला मिन सलास। इंसान मर जाता है तो उसके दुनियावी अमाल मुनकते हो जाते हैं। तीन चीजें ऐसी हैं जिनका सवाब उसे मिलता रहता है। उन्हीं में से एक है वलदुन सालिहुन यदउ लहू, ऐसा नेक लड़का, ऐसी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। तो पहली बात तो ये कि नेक औलाद अगर दुआ करे तो उस दुआ का फायदा वालिदैन को मिलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, वो तमाम अच्छे आमाल जिनका सबब आपके वालिदैन बने हैं, जब वो नेक आमाल आप करेंगे तो उसका अजर जो है उनको भी मिलेगा। लेकिन वो आमाल जिनका सबब वो नहीं बने हैं, उनका अजर उसे नहीं उन्हें नहीं मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपके वालिद साहब ने आपको कुरान पढ़ना सिखाया था, है ना? अब आप कुरान पढ़ेंगे तो उसका अजर इंशाल्लाह उन्हें भी मिलेगा। वो आपके चाहे वालिद हो या कोई और हो जिसने आपको कुरान पढ़ना सिखाया है। आपके वालिद ने आपको नमाज पढ़ना सिखाया था, अब आप नमाज पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उसका अजर उन्हें मिलेगा। या इसी तरह से हर वो अमल जिसमें किसी ना किसी तरह से आपके वालिद साहब सबब बने हैं, जब वो नेक अमल आप करेंगे तो उसका अज्र उन्हें भी मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दाल लो अल खैरे कफाइल ही। अगर किसी नेक काम की तरफ आपने किसी की रहनुमाई किया, कोई नेक काम किसी को सिखाया, तो जब वो नेक काम करेगा तो उसका अज्र आपको भी मिलेगा। तो वो तमाम नेक आमाल जिनका सबब आपके वालिदैन बने हैं, जब वो नेक काम करेंगे तो उसका अज्र आपको मिलेगा। मुतलक तौर से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपके हर नेक अमल का सवाब उनको मिलेगा। और शेख जब सदका वगैरह मैं देता हूँ तो ये नियत कर सकता दिल में कि शेख ये मेरे वालिदैन की तरफ से भी है, मेरे तरफ से भी है, कोई सदका या बिल्कुल कोई अच्छा। बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि ज्यादा सही तरीका यही है। बाज सलफ से वारिद है कि अगर वो एक दिरहम या एक दीनार भी सदका करते थे तो वो उसमें अपनी, अपने वालिदैन की, अपने अज्जा व अकारिब सब की नियत करते थे। लेकिन हम बसा औकात हम ये समझने लगते हैं कि हम ये जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया सदका कर रहे हैं, ये मामूली सी रकम है, इसमें कितने लोगों को शरीक करें। जी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत वसी है। आप सदका करें, अपनी तरफ से भी नियत करें, अपने बच्चों की तरफ से, बीवी की तरफ से, वालिदैन की तरफ से, जितने लोगों की तरफ से आप नियत करेंगे, इंशाल्लाह सबको उसका अजर मिलेगा।